यमुना पार सहित कई इलाकों में बरसों से पानी के लिए जंग जारी है। बरसों से समस्या के समाधान को नहीं हुआ कोई स्थायी इंतजाम। पीने के पानी की समस्या आगरा में सदियों से चली आ रही है। मुगल साम्राज्य से लेकर अभी तक पानी की समस्या का हल नहीं हो सका है। आगरा में पानी की समस्या दूर करने के लिए बुलंदशहर से गंगा जल भी पहुंच चुका है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वितरण की व्यवस्था सुचारू न होने की वजह से कई इलाके अभी भी प्यासे हैं। भीषण गर्मी में लोग पानी का इंतजार करते लड़ते झगड़ते नजर आ जाते हैं। स्थानीय निवासी आने वाले पानी के प्राइवेट टैंकरों पर निर्भर है। प्राइवेट टैंकर वाले भी दूर दराज गाँव से पानी लाकर इन इलाकों में बेचकर अपना रोजगार कई बरसों से कर रहे हैं, लेकिन जलकल विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। आगरा के रामबाग, टेढ़ी बगिया, ताजगंज के कई इलाके, रकाबगंज, शाहगंज के कई इलाकों में पानी की जबरदस्त किल्लत बनी हुई है। कई इलाकों में पाइपलाइन तो बिछी है, लेकिन उसमें वाटर सप्लाई चालू नहीं। मेरा नाम रजनी रानी है और मैं नगला सलाल की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी समस्या ये है कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है और पानी के लिए इतनी प्रॉब्लम है कि बाल्टी लेके टैंकर पे जाओ, टैंकर वाले भी 3-4 रुपए की बाल्टी भरते हैं और फिर भी वो नखरे करते हैं। 15 रुपए का पानी भर जाते हैं हमारा और 25 रुपए का ड्रम भरा जाता है। अब गर्मी में एक दिन में एक ड्रम खत्म हो जाता है, क्योंकि नहाने के लिए, धोने के लिए, लैट्रिन के लिए, सबके लिए पानी चाहिए, टैंकर नहीं आते। हाँ, विधायक से शिकायत की, वो वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन पानी की समय से हल नहीं करते हैं। बोलते हैं आ जाएगी तुम्हारी गली में समर, हमारी गली में समर आती है, कोई और ले जाता है। पानी की समस्या तो 200 साल से प्राइवेट चला रहे अपना खुद का, जनता प्यासी मरेगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी प्राइवेट लोगों को। ये जमुना ब्रिज क्षेत्र पड़ता है नगला सर चिड़िया के पास, यहाँ कम से कम जो मान लो 50 क्षेत्र है, 50 क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा, कम से कम 25-30, हमें वही 8-10 साल और बढ़ते बढ़ते यहाँ से पानी की व्यवस्था कोई नहीं। उनके प्यासे मरते हैं रोड पे, फिर जाकर जनता लूटती है, फिर क्या करते हैं मटके फोड़ती है। पहले कई बार रोडों पे मटके फोड़े हैं, कई बार हंगामा हुए हैं, मगर आज तक कोई व्यवस्था बनी नहीं है। हम लोगों को तो भाई मजबूरी देना पड़ रहा है पानी, अगर जनता प्यासी मरेगी तो क्या किया जाए, तो देना पड़ेगा। देते हैं फ्री में, क्यों डलेंगे, डीएल कौन डलवाएगा इसमें, जिसका फ्री में थोड़ी नहीं चल रहा है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, फ्री की सरकार तो फ्री का सरकार दे सकती है, कोई हम लोग थोड़ी दे सकते हैं। इन लाइनों में पानी सप्लाई करने का कोई तरीका जलकल अभी तक खोज नहीं पाया है। गर्मी के दिनों में तो यमुना पार क्षेत्र में तो पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी मेहनत की कमाई पानी में जा रही है। वहीं स्थानीय एदमापुर के विधायक की ओर से इलाके में सबरसेवल लगवा कर पानी की समस्या दूर करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन भूजल खारा होने की वजह से वह भी नाकाफी साबित हो गया। यमुना पार क्षेत्र में ये अब से नहीं लगा 20 वर्ष से पानी की समस्या है। जब गर्मी आती है तो समस्या बढ़ती है और अभी हम लोग प्रयास करेंगे गंगा जल आ जाए, उसके बाद ये काफी समस्या का निपटारा भी हो जाएगा। और जल संस्थान के माध्यम से भी हम प्रतिदिन लगभग 40-50 टैंकर भिजवाते हैं जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता होती है। अभी कई जगह कनेक्शन नहीं है, बहुत से पूरे क्षेत्र के अंदर 99% 98% लोगों के कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन भी हो जाए और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पानी की लाइन ही नहीं है तो वहाँ लाइन भी पड़ जाए। इसमें अलग से हम लोगों ने एक एस्टिमेट बनवाया है, उसको हम लोग कराएंगे। अभी मैं चुनाव से बाहर से लौटा हूँ तो मुझे अभी जानकारी आई है, आज मैं इस संबंध में अधिकारियों से बात करूंगा कि क्या दिक्कत है। ये मामला सीधा सीधा अपने क्षेत्र का जल संस्थान से संबंधित है। अभी मैं मेयर आगरा से भी बात करूंगा क्योंकि उसके अध्यक्ष वही होते हैं, उन्हीं के अंडर में ये सब पानी वाली ये व्यवस्था उन्हीं के अंडर में रहती है। मैं उनसे भी बात करूंगा कि ये इतनी बड़ी दिक्कतें हैं, ये कैसे दूर हो। और हम लोग का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी गंगा जल की आपूर्ति यहाँ होने लगे। थोड़ी सी आ रही है लेकिन अभी पूरा नहीं है, वो भी मिलके आ रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। तो बाकी जो नावकिसराय परियोजना है उसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा है, बीच में एक बार लाइट की दिक्कत हुई थी तो वो ठीक करा दी गई थी, उसके बाद ठीक आने लगा था। अभी मैं बाहर चुनाव से लौटा हूँ, अब देखना यह है कि संबंधित विभाग की नींद कब तक टूटती है। आगरा से टाइम सिटी न्यूज के लिए सुनील अरोरा की रिपोर्ट।